चिट्टे के लिए बदनाम गांव भद्रोया में हिमाचल व पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी फोर्स सहित दबिश दी। यह कार्यवाही सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली। हालांकि भारी बरसात के चलते कुछ देर के लिए इस कार्यवाही को रोकना पड़ा, किंतु तुरंत बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई। पुलिस की दबिश की सूचना मिलते ही तस्कर घरों को ताले लगाकर घरों से भाग खड़े हुए। पुलिस ने पूरे भद्रोया में सर्च अभियान चलाया और गांव में आने जाने वालों की तलाशी भी ली गई। यही नहीं, जब पुलिस ने एरिया में दबिश दी तो कई नशेड़ी पानी से भरी चक्की को पार करते भी नजर आए और मौके पर युवक चिट्टे के नशे में लुप्त पड़े मिले, जिन्हें चेतावनी देकर वहां से खदेड़ दिया गया। ज्ञात रहे कि पंजाब के साथ सटे हिमाचल के गांव भद्रोया में छन्नी बेली चिट्टे के लिए हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा व अन्य राज्यों में खूब मशहूर हैं। दूर दूर से नौजवान अपने इस नशे की प्यास को बुझाने के लिए यहां आते हैं। कई नौजवान यहीं पर ही नशे की ओवरडोज से मर जाते हैं। ऐसे में इस माह में कई नौजवान अपनी जान गंवा बैठे हैं। ज्ञात रहे कि ये गांव पंजाब सीमा के साथ लगता है। ऐसे में दोनों सरहदों में केवल चक्की दरिया ही पड़ता है और जब हिमाचल पुलिस दबिश देती है तो तस्कर चक्की दरिया को पार कर पंजाब में भाग जाते हैं। उसी के चलते अब पंजाब व हिमाचल पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। इस कार्यवाही की अगुवाई DSP नूरपुर मेघनाथ चौहान वे DSP पठानकोट सुखजिंदर सिंह ने की। इस मौके पर दोनों DSP ने संयुक्त बयान में कहा कि नशा कारोबार करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में संयुक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर थाना प्रभारी नूरपुर ओंकार चंद, थाना प्रभारी पठानकोट रविंदर रूबी, चौकी प्रभारी अजीत कुमार, प्रीतम जरवाल, प्रीतम जरयाल, संजय शर्मा, तरसेम लाल आदि कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। DSP कांगड़ा संतोष पटियाल ने कहा कि हिमाचल के भद्रोया व छन्नी बेली गांव में नशे के अड्डों को खत्म करने के लिए यह संयुक्त अभियान चलाया गया है और यह अभियान इन नशे के अड्डों के खात्मे के बाद ही बंद होगा। कांगड़ा से गगन ललगोत्रा। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव TV। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।